मंगल भवन अमंगलहारी द्रव उत्सव दशरथ अजिर विहारी। यह आदित्य चौपाई को अक्सर हम सुंदरकांड पाठ के साथ कई भजनों में, धार्मिक फिल्म सीरियल के में, गीत में सुनते आ रहे हैं। यह चौपाई सुंदरकांड का हिस्सा नहीं है, यह पूरी चौपाई भी नहीं है। यह चौपाई मानस के बालकांड के 111 दोहे के बाद की दूसरी चौपाई है। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर विहारी। इस मधुर चौपाई में श्री राम जी की बाल लीला का वर्णन है। इस चौपाई का इतना ज़्यादा महत्व और अत्यंत लोकप्रियता इसलिए है, तीनों लोकों के गुरु महादेव को माता पार्वती जी ने जब रघुनाथ जी की कथा सुनाने को कहा, क्योंकि माता पार्वती जी के कई प्रश्न थे, श्री राम राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, स्त्री विरह क्यों, ये सब आदि। यह सुनकर शिव जी के हृदय में श्री रामचरित मानस के सारे प्रसंग आ गए। वह दो घड़ी के लिए आनंद सागर में डूब गए। श्री रामचरित को याद कर शिव जी का शरीर पुलकित उठा और परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख का अनुभव किया और श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन पार्वती जी से करने लगे। जगत मिथ्या और प्रभु श्री राम ही सत्य हैं, यह ज्ञान रामचरितमानस का फल है। यह कहकर अत्यधिक भाव विभोर होकर भगवान शिव जी ने यह चौपाई कही। श्री राम जी के चरित्र मंगल करने वाला और अमंगल को हरने वाला है। भगवान शिव जी की यह बात सबको इतनी मनभावन लगी कि आज भी यह चौपाई मानस की पहचान है।